सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 में आपका स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम का वक्त हो गया, यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें देखने का वक्त हो चुका है। तो आइए करते हैं शुरुआत। अब सुपर प्राइम टाइम बिल्कुल नए अंदाज में आपको दिखेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और उसके इंटरनेशनल इफेक्ट की सबसे धारदार कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले तालिबान राज से जुड़ी वो 80 एक्सक्लूसिव खबरें जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी, वो आपको दिखाएंगे। कहां है अशरफ गनी? इस रात से पर्दा उठ गया है। यूएई ने कंफर्म किया है कि अशरफ गनी अबू धाबी में है। अबू धाबी प्रशासन ने कहा है कि गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर यूएई ने शरण दी है, इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। तालिबान ने अब डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टारगेट उन्हें किया जा रहा है जो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अमेरिका की मदद करने वाले हजारों अफगानियों की जान पर मंडराया खतरा। अमेरिकी एम्बेसी से तालिबान को अमेरिका की वो सीक्रेट डिवाइस मिल गई जिसमें सबका डेटा दर्ज है। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो आया सामने। अफगान फोर्सेस के 4 जवानों को सरेआम दी गई मौत की सजा। तजिकिस्तान में अफगान एम्बेसी से अशरफ गनी की तस्वीरें हटा दी गई हैं। गनी की जगह अमरुल्ला सालेह की फोटो लगाई गई है। ताजिकिस्तान में मौजूद अफगान एम्बेसी ने इंटरपोल से अपील की है कि अशरफ गनी को अरेस्ट किया जाए। एम्बेसी का आरोप है कि अशरफ गनी और उनके साथी अफगानिस्तान का खजाना लूटकर भागे। तालिबान राज में तेजी से बढ़ने लगी है महंगाई। हफ्ते भर के अंदर काबुल में महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ गई है। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी विमान से जो 2 लोग गिरकर मर गए थे उनकी पहचान हो गई है। इनमें से एक का नाम फिदा मोहम्मद था जो कि पगमान की रहने वाली थी। वो पेशे से डॉक्टर थी। ब्रिटिश सेना के चीफ का अजीब बयान सामने आया है। निक कार्टर ने कहा है कि तालिबान को एक मौका देकर देखना चाहिए कि वो सरकार कैसे चलाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को लेकर तालिबान की लीडरशिप आपस में ही दो फाड़ हो गई है। कई तालिबानी मुल्ला बरादर को राष्ट्रपति बनाए जाने के खिलाफ हैं। हिब्तुल्ला अखुंजादा के समर्थक चाहते हैं कि वो अगले राष्ट्रपति बने। पहले हिब्तुल्ला अखुंजादा के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि मुल्ला याकूब और हक्कानी गुट मुल्ला बरादर के समर्थन में हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 100 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है जबकि हजारों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी प्लेन सही से लैंड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि 11 सितंबर तक वो हर अमेरिकी सैनिक को वापस बुला ले वरना अंजाम बुरा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन और दूतावास की सुरक्षा के लिए अमेरिका के 6,000 सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान अभी सीधे अमेरिकी सेना से भिड़ने से बच रहा है। तालिबान राज आते ही अफगानिस्तान में ड्रेस कोड बदल गया है। जो पुरुष कल तक जीन्स और टी शर्ट में सड़कों पर टहलते थे, अब वो सलवार कमीज में दिख रहे हैं। काबुल की सड़कों पर महिलाएं बहुत कम नजर आ रही हैं और जो घरों से निकल भी रही हैं उन्होंने खुद को पूरी तरह ढका हुआ है। काबुल के हर चौराहे पर तालिबानी लड़ाके लोगों पर नजर रख रहे हैं। ड्रेस कोड को लेकर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बड़ा बयान दिया है। कहा, महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी नहीं लेकिन हिजाब पर महिला को पहनना होगा। अफगान संकट की गूंज यूएन तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा के लिए 24 अगस्त को स्पेशल सेशन रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा, अफगानिस्तान छोड़ना अमेरिकी इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। लेकिन जो बाइडेन ये पहले ही बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी वाली डील उन्हें ट्रंप से विरासत में मिली है। तालिबान राज आने के बाद बदला अमेरिकियों का मन। जो बाइडेन की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। एक सर्वे में राष्ट्रपति बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग में 7% की कमी दर्ज की गई है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो बाइडेन की लोकप्रियता में सबसे बड़ी गिरावट है। तालिबान अपने इमेज में कोवर में जुटा है, लेकिन सच यह है कि काबुल के कुछ हिस्सों में महिलाएं काम पर लौटी हैं। करीब 32 प्रांतों में अब भी तालिबानियों की दहशत से महिलाएं नौकरी छोड़ चुकी हैं।
तालिबान ने बामियान में हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की मूर्ति तोड़ दी। 20 साल पहले इसी इलाके में तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमा को भी तोड़ा था। तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान के हजारा समुदाय में खौफ का माहौल है, क्योंकि तालिबान के लड़ाके हजारा लोगों को चुन चुन कर टारगेट करते हैं। रूसी क्लाशनकोव के अलावा अब तालिबानियों को अमेरिकी हथियार भी पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई तालिबानियों की तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें उनके हाथ में M4 कार्बाइन और M16 राइफल दिख रहे हैं। तालिबान के हाथ ये अमेरिकी हथियार अफगानी सेना से लगे हैं। तालिबानी कमांडर मानते हैं कि अमेरिकी बंदूकों की रेंज और एक्यूरेसी रूस की AK-47 से बेहतर है। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान पर बयान देते हुए कहा है कि EU एक ही शर्त पर तालिबान के साथ काम करेगा कि तालिबान हर अफगानी के मानवाधिकारों की रक्षा करे। उड़ते हुए विमान से अफगानिस्तान के लोगों के गिरने का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पता चल रहा है कि सोमवार को विमान से दो नहीं बल्कि चार लोग नीचे गिर गए थे। वीडियो में रनवे पर भी शव नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने वाला नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर एक्टिव हो गया है। पंजशीर में इस ग्रुप का पहला वीडियो सामने आया है। 20 साल पहले इसी ग्रुप ने तालिबान को नॉर्थ अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। अफगानिस्तान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें अफगानिस्तान का सुरक्षाकर्मी रो रहा है और अपना हथियार सौंपने से इनकार कर रहा है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी कह रहा है कि वो अपना हथियार किसी को नहीं दे सकता। काबुल के शेरघन के बोखड़ी मनोरंजन पार्क में तालिबानियों ने आग लगा दी है। इसी अम्यूजमेंट पार्क में तालिबानी मस्ती करते नजर आ रहे थे। पार्क के झूलों पर कई तरह के पुतले लगे हुए थे, इसीलिए तालिबानियों ने इसे जला दिया। कनाडा अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को मान्यता नहीं देगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि फिलहाल तालिबान को सरकार का दर्जा देने की कोई योजना नहीं है। भारत ने तालिबान को मान्यता देने के मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल काबुल में सरकार बनने का इंतजार किया जा रहा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के फॉर्मूले के मुताबिक ही भारत सरकार मान्यता देने पर फैसला लेगी। तालिबान के चीफ मुल्ला अब्दुल बरादर कतर से कांधार पहुंच गए हैं। कांधार तालिबान का गढ़ माना जाता है। बरादर कतर के C-17 विमान से कांधार पहुंचे। मुल्ला बरादर की सुरक्षा में अब कमांडो भी लगाए गए हैं। UNSC की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। अफगानिस्तान पर रणनीति बनाने के लिए जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से पूरी दुनिया में ड्राई फ्रूट्स का निर्यात होता है, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ड्राई फ्रूट का कारोबार रुक गया है। सप्लाई रुकने की वजह से ड्राई फ्रूट की कीमतें 200 से 500 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फिलहाल अबू धाबी में शरण ली है। पहले कहा जा रहा था कि अशरफ गनी तजिकिस्तान से ओमान चले गए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो UAE की राजधानी में अबू धाबी में हैं। तालिबान के डिप्टी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी पहली बार लोगों के सामने आए। हक्कानी तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक होने के अलावा हक्कानी नेटवर्क के भी प्रमुख हैं। हक्कानी तालिबान का उपनेता है और वांटेड घोषित किया जा चुका है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी बैंकों में रखे गए अफगानिस्तान के करीब $10 बिलियन को फ्रीज कर दिया गया है। अब तालिबान के लिए अमेरिकी बैंक से रकम नहीं निकाल सकेगा और देश चलाने के लिए फंड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। काबुल की खूबसूरती देखकर तालिबान के लड़ाके काफी खुश हैं। ऊंची इमारतों को और रोशनी से जगमगाते बाजार को छोड़कर अब तालिबानी वापस अपने घर नहीं जाना चाहते। ज्यादातर तालिबानी काबुल में रहने का ठिकाना तलाश रहे हैं। 4 महीने पहले अफगानी सेना ने तालिबानी कमांडर अब्दुल हमीद हमासी को मारने का जश्न मनाया था, लेकिन अब वही कमांडर काबुल में मीटिंग करते दिखा है। कमांडर हमासी ने डॉक्टरों व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी दी है। तालिबान ने कहा कि सरकार बनने के बाद किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अब तक अफगानिस्तान में जो भी हुआ उसे भूलकर तालिबान नई शुरुआत करेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को धमकी दी है कि वो अपने हथियार तालिबानियों को सौंप दें। तालिबानियों ने भरोसा दिया है कि अब सभी लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आतंकी भी नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने आतंकवादियों के चेक पोस्ट बनाया है। जिहाद के नाम पर अफगानियों से वसूली की जाएगी। अफगानिस्तान की सेना तालिबान के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब अफगानिस्तान की महिला सैनिकों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उनकी हत्या न कर दी जाए। फिलहाल सेना से जुड़े तमाम लोग अंडरग्राउंड हैं। काबुल में ब्रिटेन के राजदूत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ब्रिटेन के राजदूत लॉरी ब्रिस्टो ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और घर तक छोड़ने का ऐलान किया।
काबुल एयरपोर्ट पर C-17 विमान से लोगों के गिरने की जांच अमेरिकी वायुसेना ने शुरू कर दी है। जांच में विमान के पहियों पर भी ब्लड स्पॉट मिले हैं। अनुमान है कि रनवे पर उस भीड़ में मौजूद कई लोग टायर के नीचे आ गए होंगे। तालिबान ने इतनी आसानी से अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया, इस पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबानी लड़ाकों के पास अत्याधुनिक टैंक से लेकर ड्रोन तक सब मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले तक तालिबान के पास पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन अब तालिबान के पास MI-17 और MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर भी है। नेटो के चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अफगानिस्तान के संकट के लिए गनी सरकार जिम्मेदार है। जेम्स ने कहा कि अभी नाटो का फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दहशतगर्द को पालने का जिम्मा सिराजुद्दीन हक्कानी को दिया गया है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान कैबिनेट में बड़ा ओहदा मिले। काबुल की सड़कों पर अब ट्रैफिक पुलिस कैसी है, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक तालिबानी सर पर कैप और कंधे पर बंदूक लटकाए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन लोग उसका हुलिया देखकर हंस रहे हैं। सरकार के गठन के लिए अफगानिस्तान के कोने कोने से तालिबानी काबुल पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में जो काफिला आपको दिख रहा है वो तालिबान के डेप्यूटी चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी के अंकल खलील उर रहमान का है। अनस हक्कानी के नेतृत्व में तालिबान का एक डेलीगेशन पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मिला है। इस मुलाकात का मकसद नई सरकार से जुड़े मुद्दों को डिस्कस करना था। फ्रांस के मशहूर लेखक बर्नार्ड हेनरी ने इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। वो पंजशीर सूबे में गए और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से मिले। अहमद मसूद इस वक्त तालिबान विरोध का चेहरा बने हुए हैं। तालिबान कैबिनेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता रहे जबीउल्लाह मुजाहिद को तालिबान ने अपना कल्चर एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चुना है। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण जंग जारी है। पंजशीर इकलौता वो स्टेट है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान के खौफ से अब लोग दुकानों के बाहर लगी महिला और मॉडल की तस्वीरों को खुद पेंट कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर और ब्यूटीक्स के बाहर भी लगे तमाम पोस्टर और फोटो को हटा लिया गया है। अफगानिस्तान के लोगों की हालत बेहद दयनीय नजर आ रही है। सभी लोग देश छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एक महिला अमेरिकी सैनिकों के सामने गिड़गिड़ाती नजर आई। काबुल की सेंट्रल जेल से एक बार फिर तालिबानियों ने कैदियों को रिहा कर दिया है। कैदियों ने भागते वक्त जेल से हथियार भी लूट लिए। कैदी अपने साथ कई AK-47 राइफल लेकर जेल से गए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने जेल से 2300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए आतंकी तहरीक तालिबान, अलकायदा और ISIS के हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के डिप्टी चीफ को भी रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबानी आतंकियों ने पकड़ लिया है। सलीमा मजारी ने तालिबान के सामने सरेंडर करने के बजाय मुकाबले का फैसला लिया था। काबुल पर कब्जे के बाद भी सलीमा अपने प्रांत से भागी नहीं थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दी सलाह, तालिबान पर कोई खिलाड़ी टिप्पणी ना करे। काबुल की हर सड़क पर अब पुलिस की तरह तालिबानी लड़ाके पहरा दे रहे हैं। कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाया गया है, लोगों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। गलतियों पर सजा देने का दौर भी शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में कई जगह पर लोगों ने तालिबान का विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध को दबाने के लिए तालिबानियों ने आसमानी फायरिंग की। जलालाबाद में कुछ लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लहराया। यहां तालिबानियों की गोली से एक की मौत हो गई। पाकिस्तान का तालिबान फ्रेम फिर नजर आया है। तालिबान के सक्रिय सदस्य मुल्ला मोहम्मद रसूल को पाकिस्तान सरकार ने 5 साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया है। रसूल को तालिबान से अलग होकर एक नया गुट बनाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तालिबान को सरकार बनाने में आसानी हो, इसलिए करजई ने गुलबुद्दीन हिकमतयार और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने का फैसला किया है। तालिबान एक तरफ लोगों को माफ कर देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए काम करने वालों को सजा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के लिए ट्रांसलेटर का काम करते थे। तालिबानियों ने अब न्यूज एंकरिंग भी शुरू कर दी है। अब अफगानिस्तान में महिला न्यूज एंकर को बैन कर दिया गया है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को हटाकर तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग शुरू करवा दी है। अमेरिका को फिर 9/11 जैसे हमले का डर सता रहा है। अमेरिका के एक टॉप जनरल ने कहा है कि तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान से उनके देश को एक बार फिर आतंकी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
सोशल मीडिया पर तालिबान के ट्रैफिक कंट्रोलर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कंधे पर गन और हाथ में रेड सिग्नल लेकर तालिबानी लड़ाका सड़क के किनारे नजर आ रहा है। तालिबान ने पुलिस का कैप भी पहना है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आशंका है कि अफगानिस्तान से कई अमेरिकी हथियार कश्मीर भेजे जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर अफगानी सैनिक नहीं लड़े तो वो कितनी पीढ़ियों तक अमेरिका के बेटे बेटियों को भेजते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब साफ है, मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो हम पहले कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज शुरू हो चुका है। काबुल खौफ में लिपटा हुआ है। करीब 45 लाख लोग डरे हुए हैं, घरों में बंद हैं, कई दिन से बाहर नहीं निकले हैं। सड़क पर तालिबानी लड़ाके बंदूक लेकर घूम रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। यहां तक कि काबुल एयरपोर्ट भी फिर भी फायरिंग हो रही है, कई लोग जख्मी हुए हैं। तालिबानियों ने जलालाबाद में भी लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। जलालाबाद से लेकर काबुल तक महिलाओं और बच्चों पर तालिबानियों ने तब फायरिंग की है जबकि तालिबान ने एक दिन पहले ही वादा किया था कि पूरे देश में शांति रहेगी, कानून व्यवस्था कायम रहेगी। ये आंसू, ये चीख, ये लाचार की ताइवान के खौफ की संपूर्ण व्याख्या है। ये डर की आशंकाओं की विवेचना है। महिलाओं की चित्कार तालिबान के चरित्र का विश्लेषण है। चंद सेकंड की तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है। ये महिलाएं किसी तरह उड़कर भाग जाना चाहती हैं तालिबानियों के चंगुल से, मगर इन्हें लोहे की छर्रों में कैद कर दिया गया। बच्चों पर गोलियां बरसाई हैं तालिबानियों ने। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 17 अगस्त को ही तालिबान ने दुनिया से अफगानी महिलाओं और बच्चों को बचाने का वादा किया था, लेकिन 24 घंटे से पहले ही अपने वादे को गोलियों से भून दिया। एयरपोर्ट से भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग भी की। अमेरिकी रिपोर्टर ने तस्वीर जारी कर दावा किया है कि तालिबानियों के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों पर नुकीले हथियारों से वार किया गया, कई लोग जख्मी हुए हैं। 17 अगस्त को तालिबान ने दुनिया को वादा किया था कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही शांति बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। तालिबान ने यह भी वादा किया था कि दुनिया उसे मान्यता दे, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा लोगों से अफगानिस्तान नहीं छोड़ने की अपील भी की थी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। डराने वाली बात यह है कि यह सिर्फ काबुल में नहीं हुआ बल्कि जलालाबाद में भी तालिबानियों ने लोगों पर गोलियां दागी हैं। सड़क पर सैकड़ों की भीड़, अफगानी पताकाधारी प्रदर्शन, अचानक गोलियों की तड़तड़ा और फिर जबरदस्त अफरा तफरी। ये नई अफगानिस्तान के जलालाबाद की तस्वीर है। काबुल के किले पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित करने वाले दहशतगर्दों की फौज को चुनौती देते हुए कुछ लोगों ने अफगानी झंडा फहरा दिया, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों की तालिबानियों से झड़प हो गई। बंदूकधारी तालिबानियों ने गोलियां दागना शुरू कर दिया। फायरिंग में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। जो जख्मी हुए उनकी कोई गिनती नहीं है। जलालाबाद में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतर। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अफगानिस्तान के मौजूदा झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज बनाए रखा जाए। इससे पहले 17 अगस्त को भी पाकिस्तान की सीमा से लगे खोसत प्रांत में भी लोगों ने अफगानी झंडा लेकर प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान को बचाने के लिए नॉर्दर्न एलायंस ने तालिबान के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ दी। अब जरा पहले जानिए कि नॉर्दर्न एलायंस क्या है जो सीधे तालिबान से टकराने की हिम्मत कर रहा है। यह अफगानिस्तान में एक सैनिक मोर्चा है जो 1996 में काबुल पर तालिबान कट्टरपंथी गुट का कब्जा हो जाने के बाद उसका बलपूर्वक विरोध करने के लिए बना था।
पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन खब्बानी और भूतपूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद ने स्थापित किया था। नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ लड़ने में ईरान, रूस, भारत और तजाकिस्तान से मदद मिली। बाद में तालिबान के सत्ता से हटने के बाद नॉर्दर्न अलायंस टूट गया और कई सियासी पार्टियों में बट गया। लेकिन एक बार फिर जब पठान लैंड पर तालिबानी संकट है तो फिर वही उत्तरी मित्र पक्ष नए अंदाज में दहशतगर्दों को चुनौती दे रहे हैं। अफगानिस्तान को मुट्ठी में करने के बावजूद तालिबान को ये चुनौती ऐसे वक्त में मिल रही है जब बंदूकधारी तालिबानी काबुल की सड़क पर मार्च कर रहे हैं। ये दृश्य काबुल का है। सड़कों पर AK-47 वाले तालिबानियों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। इमरजेंसी जैसे हालात है, बंदूक की नोक पर पूरा शहर है। लोग इस खौफ में कि मौत किसी भी वक्त दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के बाद जाहिल तालिबानी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। शहर में तालिबानियों की दस्तक के बाद से काबुल में घर की खिड़कियां नहीं खुली है। रिपोर्ट की माने तो लोगों ने बहु बेटियों को छिपा दिया है। लोगों के घरों में ना पैसे बचे हैं, ना ही खाने के लिए सामान बचा है। ATM में भी पैसे नहीं। काबुल की आबादी लगभग 45 लाख है। काबुल में ज्यादातर लोग 7 दिनों से घरों में बंद हैं। 15 अगस्त के बाद से तो यहाँ के ATM में भी पैसा नहीं निकल रहा है। दहशत ज्यादा लोगों के सामने 1996 से 2001 तक का मंजर आंखों के सामने घूम रहा है। मौत के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। चंद रोज पहले तक आधुनिकता के लिबास में लिपटा काबुल अब तालिबानी शासन रूढ़िवादी कपड़ों में नजर आ रहा है। ज्यादातर पुरुष सलवार कमीज पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक लोग जींस टी शर्ट में घूमते थे, लेकिन अब सड़क पर मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने सलवार कमीज या फिर कुर्ता पैजामा के अलावा कुछ और पहना हो। काबुल की सड़कों पर भी महिलाएं बहुत कम नजर आ रही। जितनी महिलाएं कहीं आती जाती दिखाई भी दे रही उनमें से सभी पूरी तरह से हिजाब से अपने आप को ढके हुए दिखाई दे रही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्हें फेस मास्क भी पहनना पड़ रहा है। ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तालिबानियों की जाहिल फौज बंदूक लेकर सरेआम सड़कों पर घूम रही है। कई जगहों पर फायरिंग भी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई तालिबानी शहरों की चकाचौंध देखकर हैरान है। बंदूक के साए में पले कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने पहली बार शहर का नजारा देखा है। यही वजह है कि इन लड़ाकों ने जब पहली बार शॉपिंग मॉल देखा तो कूदने लगे, टॉय कार पर चढ़ गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बीच तालिबान ने अमेरिका को फरमान सुनाया है। तालिबान ने दो टूक कहा है कि अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अफगानियों की जमीन छोड़कर चले जाएं। आपको बता दें कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बावजूद करीब 6,000 अमेरिकी सैनिकों के काबुल और दूसरी शहरों में रहने का प्लान है, लेकिन तालिबानियों को ये मंजूर नहीं। तालिबान का ये फरमान इस बात को प्रमाणित करता है कि अफगानिस्तान पूरी तरह अब उसकी मुट्ठी में है। काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। उनके साथ ही सरकार से जुड़े कई नेता और अधिकारियों ने भी काबुल छोड़ दिया, क्योंकि तालिबानियों ने ढूंढ ढूंढ कर अपने विरोधियों को या तो मार दिया या नजरबंद कर दिया। कभी तालिबानियों से टकराने वाले अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड्स या तो देश छोड़कर भाग गए या फिर सरेंडर कर दिया। मजार शरीफ का बूढ़ा शेर कहे जाने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम इस वक्त उज्बेकिस्तान में है। बलक प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद से अता मोहम्मद नूर के तजाकिस्तान जाने की चर्चा है। एंट्री तालिबान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के बारे में कोई खबर नहीं है। सलीमा मजारी के बारे में खबर है कि वो ईरान पहुंच गई हैं और वहीं से अपनी फौज को ऑपरेट कर रही हैं।
है रात का शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान को तालिबान ने घर पर ही नजरबंद कर दिया है। जाहिर है कि तालिबान अब पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन खौफनाक बात यह है कि तमाम वादों के बावजूद तालिबानी उसी खूनी अंदाज में लौट रहे हैं जिसकी आशंका थी। जिसके लिए तालिबान को ख्यात रहा है काबुल से लेकर जलालाबाद तक की तस्वीर उसका चीखता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवीएन भारतवर्ष। अफगान युद्ध जीत कर तालिबान ने अकूत ताकत हासिल कर ली है। आज की तारीख में परमाणु बम को हटा दें तो मौत बांटने के हर हथियार से टेरर आर्मी लैस है। यह हथियार भी अमेरिकी सेना के हैं। चौंकाने वाली बात इतनी भर नहीं कि अमेरिका के दुश्मन नंबर वन और सबसे घातक हथियार माने जाने वाले अलकायदा आतंकियों की फौज तालिबान के पास है। अफगानिस्तान की जेलों में बंद ओसामा ब्रिगेड को तालिबान ने रिहा कर दिया है। दुनिया भर में फैले आत्मघाती आतंकियों के दस्ते पठान लैंड में लौटने लगे हैं। आखिर तालिबान टेरर आर्मी क्यों तैयार कर रहा है? शांति का ढोंग कर रहे तालिबान का नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या सुपर पावर अमेरिका ने अफगान युद्ध से पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया है? टेरर लैंड में जो चल रहा है वो बेहद विस्फोटक है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय तक ये दहशत पहुंच चुकी है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए अमेरिका से तालिबान के इंतकाम का सीक्रेट प्लान। कंधार को कुचल कर, गजनी में गदर मचा कर, बल्क को बर्बाद कर काबुल फतेह करने वाले तालिबान का अगला टारगेट क्या है? क्या है मुल्ला बरादर की अगली युद्ध नीति? क्या महज पठान लैंड की जीत से चुप रहने वाली है टेरर आर्मी? क्या अमेरिका से बदला नहीं लेंगे तालिबानी खूंखार जेहादी? जिन्हें शक है वो जान ले तालिबान इंतकाम लेगा, बेहद खौफनाक रूह कपा देने वाला इंतकाम। अमेरिका से एक एक हिसाब होगा। 20 साल तक सुपर पावर के सितम सहने के बाद तालिबान ने पूरी तैयारी कर ली है, रणनीति बन चुकी है। सुपर पावर को बेहद जल्द जोरदार पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। यकीन मानिए इस बार अमेरिका को तालिबान ऐसी चोट देने का मन बना रहा है जिससे द ग्रेट नेशन थर्रा जाएगा। इस बार तालिबान 20 साल पहले से भी बड़ा खौफ पैदा करने का मिशन शुरू कर चुका है। तालिबान का इंतकाम 9/11 से बड़ा होगा। तालिबान सीक्रेट आउट, फर्स्ट टारगेट व्हाइट हाउस, अब की बार कैपिटल हिल तक मिसाइल की मार, द मोस्ट हॉरर खुलासा, लादेन के 3000 वारिस। एक अकेले ओसामा बिन लादेन ने पूरे अमेरिका को दहला दिया था। वो 11 सितंबर 2001 का आतंकी हमला था, अमेरिकी इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला जिसमें 3000 बेगुनाहों की जान गई। अमेरिकी साख पर बट्टा लगा, सुपर पावर होने का घमंड टूटा। ओसामा बिन लादेन के आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका में घुस कर मारा था। हवाई जहाजों को बम बनाकर किए गए धमाके सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक नहीं किए गए बल्कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन तक को उड़ा देने की कोशिश की गई थी। इसी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने अफगान युद्ध शुरू किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के 10 साल तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन की तलाश करता रहा। 2 मई 2011 को बिन लादेन की तलाश खत्म हुई, उसे अमेरिका ने मौत के घाट उतारा। लेकिन लादेन की बनाई टेरर आर्मी को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। तालिबान ने ओसामा की टेरर आर्मी के लड़ाकों को अपनी फौज में शामिल कर लिया था। अलकायदा के ऐसे 3000 खूंखार आतंकी अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के बाद इस फिदायीन आतंकियों की रिहाई कर दी गई। तालिबान ने काबुल की पुल ए चरखी जेल से 3000 अलकायदा आतंकियों को रिहा कर दिया है। लीबिया से अलकायदा के 5000 आतंकी अफगानिस्तान शिफ्ट किए जा रहे हैं। सीरिया से लादेन एंड कंपनी की बड़ी मूवमेंट अफगानिस्तान की तरफ हुई है।
नाइजीरिया में नाम बदलकर संगठन चला रहे अलकायदा आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। दुनिया भर में फैले अलकायदा के दहशतगर्दों का जमावड़ा काबुल में हो रहा है। मौत का खेल खेलने वाले ये खूंखार आतंकी किसी भी कीमत पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। पठान लैंड में जो चल रहा है उससे अफगान युद्ध से पिंड छुड़ाने की अमेरिका की सारी कोशिश बेकार साबित हो सकती है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस बार अमेरिका पर हमला उसी के हथियारों से होगा। तालिबान ने अफगान फोर्सेस से जो हथियार लूटे वो सब अलकायदा आतंकियों के हाथ में ही है। तालिबान के पास अफगान एयरफोर्स का सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट है। तालिबानी सेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर M124 है। असॉल्ट राइफल में AK-47 के साथ अब आतंकी ब्रिगेड US मेड M16 और M4A1 राइफल का जखीरा हथिया चुकी है। तालिबान के जंगी गोदाम में बख्तर बंद हमवीज गाड़ियां होंगी। टेरर आर्मी के पास स्कैन ईगल सर्विलांस ड्रोन भी मौजूद है। बैटल टैंक की बात करें तो तालिबान T-62 से लैस है। अमेरिका ने जिन हथियारों से 20 साल तक तालिबान को छकाया, जिन बम और मशीन गन के इस्तेमाल से आतंकी राज को टक्कर दी, अब वो सब तालिबान के पास है। जाहिर है तालिबान और अलकायदा दो अलग चीज नहीं, यानी इन हथियारों को अलकायदा आतंकी बिना रोक टोक इस्तेमाल करेंगे। नरसंहार के इन हथियारों की टेस्टिंग न सिर्फ अफगानिस्तान में होगी, इसे सोचना भी गलत होगा। अलकायदा आतंकियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है अमेरिका को नुकसान पहुंचाना। दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी नागरिक दिखते ही ओसामा के आतंकी उन पर टूट पड़ते हैं। अलकायदा आतंकियों के हिट लिस्ट में अब दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावास होंगे। इसी पैटर्न पर पहले भी लादेन ब्रिगेड टेरर अटैक को अंजाम देती रही है। खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी दूतावासों पर बम धमाके के पीछे अक्सर अलकायदा का नाम आता रहा है। हालांकि तालिबान अलकायदा का ज्वाइंट ऑपरेशन सोच से भी परे है। इसकी टाइमलाइन का खुलासा तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन मिशन की जितनी बातें सामने आई हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को बेचैन कर सकती है। अमेरिका से बदला लेने के लिए अलकायदा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC को निशाना बना सकता है। ओसामा के आतंकी 9/11 के तर्ज पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। पेंटागन रिपोर्ट में इस बार अलकायदा का फर्स्ट टारगेट अमेरिका का कैपिटल हिल बताया गया है। कैपिटल हिल में अमेरिका की संसद के साथ राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस भी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में टॉप सीक्रेट मीटिंग में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे ज्यादा टेंशन इस बात ने बढ़ाई कि अब तक अमेरिका के हर आकलन को टेरर ब्रिगेड ने गलत साबित किया। अमेरिका का अंदाजा था कि काबुल को कब्जा करने में तालिबान को अगस्त के बाद 90 दिन लगेंगे, लेकिन तालिबान ने रातों रात काबुल का किला जीत लिया। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका अशरफ गनी ने दिया। अफगानियों को बेसहारा छोड़ने के साथ गनी ने जो बाइडेन को भी धोखा दिया। I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. बेबसी का दुखड़ा रो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को शायद अंदाजा है कि अगले आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं। जिन जहरीले सपोलों ने अमेरिका को 20 साल तक छकाए रखा वो अब अजगर बन चुके हैं। अमेरिकी युद्ध तकनीक हासिल कर चुके हैं। US मेड हथियारों से आतंकी जब हाहाकार मचाएंगे
तो उन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। सुपर पावर के लिए वॉर अलार्म बज चुका है। तालिबान हुकूमत के काबिज होने से अमेरिका का दुश्मन नंबर वन अलकायदा फिर मैदान में है। ओसामा के वारिसों से जंग अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होने जा रही। ऐसे में सुपर पावर को अपनी ताकत का एहसास कराने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ग्रेट नेशन होने का दावा करने वाले अमेरिका को जुबानी हवाबाजी से उलट युद्ध भूमि में बहुत कुछ ग्रेट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है दुनिया उसकी वजह सुपर पावर अमेरिका को मान रही है। बाइडेन के एक फैसले ने पूरे अफगानिस्तान की सूरत पलट कर रख दी, जिसके बाद से जहां एक तरफ अमेरिका की किरकिरी हो रही है तो वहीं उसके दुश्मन मुल्क सुपर एक्टिव हो गए हैं। चीन खुलेआम ताइवान के मोर्चे पर अमेरिका को ललकार रहा है। ऐसे में अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका संकेत भी अमेरिका ने दे दिया है। अफगानिस्तान की सरजमी पर सुपर पावर ने कदम वापस खींचे, जिसके महज डेढ़ महीने के भीतर पठानलैंड में खूनी खेल खेला गया। सड़कों पर तालिबानियों ने ताकत की नुमाइश की। महिलाओं से बर्बरता की और इसकी एक एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। आज इस मुल्क का निजाम देश छोड़कर भाग चुका है और अफगानिस्तान के हर कोने में ये सफेद तालिबानी झंडा लहरा रहा है। पठानी लिबास में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लिए तालिबानी आतंकी पुलिस स्टेशन, एम्यूजमेंट पार्क से लेकर सरकारी इमारतों तक में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से शांति अंधेरे में उजियारे की तरह गायब हो चुकी है। आज सबका ठीकरा पूरी दुनिया सुपर पावर अमेरिका और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स जो बाइडेन पर फोड़ रही है। अफगानिस्तान में हुई सबसे बड़ी हार के बाद दुनिया अमेरिका पर हंस रही है और सुपर पावर के दुश्मन सुपर एक्टिव हो गए हैं। मानो उनके अंदर से अमेरिकी खौफ मिट चुका है, जिसमें पहले नंबर पर मौजूद है एशिया पैसिफिक का सिरदर्द चीन। अफगानिस्तान की हार के बाद चीन के कंधे ऐसे चढ़े कि वो हर मोर्चे पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, धमकी सबक सिखाने की, धमकी देख लेने की, धमकी युद्ध की। पठान लैंड से वापस लौटने के बाद चीन मानो अपनी ताकत अमेरिका को दिखाने के लिए बेताब। अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिल रही चुनौती और दुनिया में होती किरकिरे के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है। उसने चीन को सबक सिखाने और दुनिया में अपना लोहा एक बार फिर मनवाने की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका एंग चीन के निकालेगा हेकड़ी, समंदर में बरसेगा बारूद, यूएस देगा चीन को अपनी ताकत के सबूत। बाइडेन तैयार, हो गया अरपा, पेंटागन में शुरू कमबैक प्लान। अपनी मिट्टी में मिल चुकी साख और खोया रुतबा वापस पाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, आखिर कैसे वो डैमेज कंट्रोल में जुटा है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबानी कंट्रोल के बाद चीन कैसे यूएस को चुनौती दे रहा है।
साउथ चाइना सी में नीले समंदर पर युद्धपोत दौड़ रहे हैं। डिस्ट्रॉयर्स के बैरल आग उगल रहे हैं। फाइटर जेट अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। ताइवान के बेहद करीब चीन युद्ध का रिहर्सल कर रहा है। साथ ही चीन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है और तालिबान का उदाहरण देते हुए ताइवान को भी धमकी दी। चीन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से काबुल सरकार का पतन हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबानी आतंकी काबुल के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और अमेरिका को अपने राजनयिकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से निकालना पड़ा। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं। जिस तरह उसने अफगानिस्तान में किया ठीक वैसा ही ताइवान में भी करेगा। अगर एक क्रॉस स्ट्रेट युद्ध छिड़ता है तो चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। चीन की इस गुस्ताखी से अमेरिका बेहद गुस्से में। अमेरिका के सीनेटर जॉन कार्निन ने अपने एक ट्वीट में दुनिया भर में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बारे में बताया। सीनेटर जॉन कार्निन के ट्वीट के मुताबिक साउथ कोरिया में अमेरिका के 28,000 जवान मौजूद हैं। जर्मनी में 35,486 अमेरिकी जवान हैं। जापान में तकरीबन 50,000, ताइवान में 30,000 और अफ्रीका में 7,000 अमेरिकी जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। दरअसल अमेरिका दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके ऊपर सिर्फ अफगानिस्तान की ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिकी फौज मौजूद है और वहां शांति स्थापित करने में जुटी हुई है। साफ तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो रही किरकिरी को लेकर अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। चीन ने अपने भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए अमेरिका से इस पर सफाई मांगी है। साथ ही कहा है अगर वाकई ताइवान में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, तो ये बेहद गंभीर स्थिति। अमेरिकी सैनिकों को बिना शर्त ताइवान से हटाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिए अमेरिकी और ताइवान अधिकारियों को चीन से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को ऐसा नहीं करने पर ऑल आउट युद्ध की धमकी दी। अमेरिका में ताइवान ने अपने सैनिकों की तैनाती चीन को बताकर यह साफ कर दिया है कि वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और चीन किसी भी गफलत में ना रहे, क्योंकि अगर उसने ताइवान की तरफ देखा तो उसे समंदर और हवा में मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।